नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव का प्रतिरोध मार्च निकल रहा है और उनके काफिले के आगे गोल्डमैन मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु यादव नाम है मेरा। कितना गोल्ड है आपके पास? लगभग 18-20 लाख के। 18-20 लाख का। कहाँ के रहने वाले हैं? दीघा के, पटना। पटना दीघा के रहने वाले हैं। और शौक है आपका सोना? हाँ, ये शौक है मेरा, खुद का कमा के पहने हुए। आपके भाई हैं क्या? भाई, आपने भी खूब सोना पहन रखा है। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। और ये घड़ी क्या है? ये भी सोने का है कि ये? नहीं, गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है। हाँ। तो सोने का पहनने का शौक कब से चढ़ा? शौक शुरू से है, मगर जब कमाए लगे तो धीरे धीरे पूरा करने लगे। क्या करते क्या है? छोटा मोटा बिजनेस है अपना। छोटा मोटा क्या है? ब्रिक्स प्लांट है। ब्रिक्स ईटा। अच्छा, ईटे का बिजनेस करते हैं क्या? ईटे के बिजनेस करने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? महंगाई का असर हो रहा है बिजनेस? बहुत ज़्यादा कम हो गया है सेलिंग। हाँ। सेलिंग बहुत कम है। हाँ। वो तो कैसे कैसे अब घिंचा रहा है धीरे धीरे। और महंगाई तो ऐसा बढ़ा हुआ है कि अब खाने पर भी GST हो गया, आटा पे भी GST है, कफन पे भी GST है। अब देखिए क्या क्या मोदी सरकार करता है। अगर BJP में इतना ही दम है तो चैलेंज है हमारे तेजस्वी यादव का, क्या अकेले चुनाव लड़ ले बिहार में? और महंगाई इतना है, और प्रतिरोध मार्च निकला हुआ है। देखिए प्रतिरोध मार्च निकला हुआ, कितना जुलूस जुटा हुआ है, आम आदमी सब लोग रोड पे है। मार्जिन कम हो गया है ईंट के बिजनेस में, ये कह रहे हैं? बहुत बहुत कम हो गया। दुकानें तो खूब बन रही है पटना में। अब कहाँ जाओ, अब जो है सब पहले का है, अब नहीं है। अब नहीं बन रहा है। तो महंगाई बढ़ी है, इसका असर जो है वो आपके पड़ा है। दूध पे भी GST लग गया है, तो आम आदमी से पूछेगा तो बता नहीं देगा आपको कितना महंगाई बढ़ा है। अच्छा ये बताइए, आपने बताया कि सोना जो आप पहनते हैं, कब से ये जो शौक जो ये चढ़ा, ये शुरू से ही शौक है? शुरू से ही शौक है। देखिए इनके चारों, देखिए पांचों उंगली में सोना है, और ये इधर पूरा देख सकते हैं कि 10 उंगलियों में 9 सोना का अंगूठी पहन रखा है इन्होंने। इधर भी मतलब कि खूब। हाँ, सोना डर नहीं लगता पटना में घूमने में? नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं, नीतीश राज में डर नहीं लगता है? नीतीश राज का नहीं, अपना सेफ्टी लेके चलते। नीतीश राज में तो बहुत क्राइम बढ़ चुका है। आपको डर नहीं लगता इतना सोना पहन के निकलते हैं? नहीं, डर तो नहीं लगता है। हाँ। सेफ्टी से रहते हैं। चलिए, प्रतिरोध मार्च में शामिल होने आए हिमांशु जी, इनका नाम है, ईंट का बिजनेस करते हैं, और देख सकते हैं कि ये अपनी जीप में पर सवार होकर जो है वो तेजस्वी यादव के काफिले के आगे जो है वो जा रहे हैं। और फिलहाल देखिए गोल्ड मैन के नाम से मशहूर हैं, पूरे पटना में ईंट का बिजनेस करते हैं, और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के लिए प्रतिरोध मार्च में शामिल होने के लिए ये आए थे। और पीछे पीछे तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो आ रहा है, और कुछ महिलाएं जो हैं इधर से गुजर रही हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या महंगाई बढ़ी है? चलिए, कैमरे के सामने कुछ लोग कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, और आप देख सकते हैं कि हाँ बोलो, हम लोग का इंटरव्यू देखिए। ये क्या, गाड़ी के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब? क्या करें भैया, प्रचार कर रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी, इतने ने महंगाई कर दिया। गर्मी नहीं लग रहा है क्या ऊपर बैठे हुए? गर्मी तो लग ही रहा है, ऐसे भी पैदल चल रहे हैं तो गर्मी लग रहा है। बाकी बेरोजगारी और महंगाई के चलते लोग तबाह है। नरेंद्र मोदी जी जितने भी वादा किए ना, सब झूठा लिखला। उनका वादा हरेक युवाओं का, 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठा, 15 लाख हरेक व्यक्ति को देने का वो भी झूठा, और तेल से लेकर पेट्रोल, और राम के राज में और कृष्ण के राज में कभी राशन महंगा नहीं हुआ था। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक इतना ही।